हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आज बात करते हैं एक और यूनानी दवा के बारे में, एक और हर्बल ड्रग, एक और सिंगल ड्रग, एक और नबात, एक और जड़ी बूटी के बारे में। मजीठ, फोगा, मंजिष्ठ, मंजिष्ठा। तो इसके बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले आइए देखते हैं हम मजीठ। देखिए डी व्यूअर्स, ये मजीठ जिस तरह का कि मार्केट से आता है, ये वो सेल क्वालिटी है। जैसा भी ये मार्केट से आया है वही देख रहे हैं हम। अब इसको हम साफ करेंगे। ये एक बड़ा लॉट है, हम इसमें से थोड़ा ही दिखा रहे हैं। देखिए इसमें कितनी ज़रूरत है, फिलहाल आप शायद नहीं समझ पाएं कि सफाई की कितनी ज़रूरत है और कितना क्या साफ होगा इसमें से, लेकिन आइए चलिए साफ करते हैं इसको और फिर देखते हैं। देखिए व्यूवर्स, ये मजीठ मखसूल व मुसफ़ा, मजीठ धोया हुआ और साफ़ किया हुआ। मजीठ को हमने साफ़ करने के बाद धो लिया है और सुखा लिया है। इस तरह से फिर हमें चुनिंदा सेलेक्टेड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मजीठ हासिल होती है और इसमें से जो कचरा निकला वो ये है। आप देख सकते हैं इस तरह के पीसेस को हम हटा देते हैं और ये 250 ग्राम्स में से इतना कचरा निकला है, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना परसेंट हो जाता है। तो उसी रेशो में मेडिसिन की कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन आप मेडिसिन की क्वालिटी की वैल्यू करना सीखिए, द बेस्ट मेडिसिन को यूज़ करिए, कॉस्ट डजंट मैटर। तो इस तरह से ये बेहतरीन और साफ किया हुआ मजीठ, मंजिष्ठा, फौवा और ये इसमें से निकाला गया कचरा, गंदा ख़राब पीसेस। तो हम अगर एक ही बार में दोनों को देखें तो इस तरह का मंज़र होगा। देखिए व्यूवर्स, ये मजीठ, ये भी मजीठ है लेकिन ये बहुत हल्की और घटिया क्वालिटी की मजीठ है। ये मजीठ आप इस्तेमाल ना करें अगर आप अपनी दवाओं में बेहतरीन रिजल्ट्स चाहते हैं तो। लेकिन ज़रूरी ये होता है कि अगर आपने हल्की क्वालिटी की मजीठ नहीं देखी है तो आप बढ़िया क्वालिटी की मजीठ की भी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी होता है कि आपने बढ़िया और घटिया, हल्की और अच्छी सब क्वालिटी देख रखी हो। तो ये आप देख सकते हैं एक बहुत हल्की क्वालिटी की मजीठ है और ये बढ़िया क्वालिटी की और अच्छी क्वालिटी की मजीठ है। इनफैक्ट ये ईरानी मजीठ है, पहले अफ़गानिस्तान से भी मजीठ आया करती थी, वो अब अवेलेबल नहीं होती है, ये ईरानी है। तो ये मजीठ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ हम कंपैरिजन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए रखते हैं अपने पास। तो हम एक बार और देख सकते हैं पास से दोनों का व्यू एक साथ, ये कंपैरिजन ऑफ मजीठ। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, अभी आपने देखा मजीठ। मजीठ यूनानी दवाओं में बहुत पुराने ज़माने से इस्तेमाल होती रही है। जैसा कि हर किसी दवा का एक खासा होता है कि वो कुछ ख़ास उजू पे, कुछ ख़ास सिस्टम्स पर कुछ ख़ास असर करती है। हालांकि ये दवा बहुत सारे प्रॉब्लम्स में बहुत कामयाबी के साथ इस्तेमाल की जाती है, लेकिन फिर भी इसको ख़ास तौर से मुद्रे बॉल के तौर पर, मुद्रे हेज के तौर पर और अमराज़ जिगर में इस्तेमाल किया जाता है। अमराज़ जिगर में हम दवीदुलवर्द के साथ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका मिजाज गर्म व खुश्क है, इसलिए हम इसको बलगमी अमराज़ में, ठंड से होने वाले अमराज़ में इस्तेमाल करते हैं। जबकि जिगर में कोई सुद्दा भी हो सकता है, कोई वर्म भी हो सकता है। हाँ, दिल्ली में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है स्प्लीन के लिए। इसके अलावा और भी ज़्यादा जो ये इफ़ेक्टिव है या ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो यूट्रस के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब यूट्रस में वर्म हो या यूट्रस की कोई प्रॉब्लम हो और उसकी वजह से मैसेज नहीं आ रहे हों, एमेन्यूरिया हो, खल्लतुद्दम्स हो,
तो हम इसको माजिन सुपारी पाक के साथ इस्तेमाल करते हैं। माजिन सुपारी पाक में ये जूस के तौर पे शामिल है, तो हम माजिन सुपारी पाक उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जबकि किल्लतुत तम्स हो, मेंसेस कम आ रहे हों, या देर से आते हों, बहुत ठहर कर आते हों। इसी तरह से दवाउल कुरकुम कबीर, वहाँ भी हम जब बलगमी अमराज की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि मजीठ जिगर के अमराज के लिए, स्प्लीन के अमराज के लिए, यूट्रस के अमराज के लिए और यूरिनरी ट्रैक्ट के प्रॉब्लम्स के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। मुद्रे बोल के तौर पे ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि अगर इसको मुफ़त्तेहिसात यानी कि पथरी तोड़ने वाली दवाओं के साथ इसको इस्तेमाल किया जाए, मुफ़त्त हिसाब जो दवाएं होती हैं उसके साथ शामिल दे सकते हैं, उसको अलग से आप दे सकते हैं, लेकिन उनके साथ दिया जाए तो ये पथरी को भी तोड़ के आसानी से निकाल देती है। लेकिन फिर भी इस बात को ध्यान रखा जाए कि इसका अगर इस्तेमाल बहुत लंबे टाइम तक या ज़्यादा मिकदार में किया जाए तो पेशाब में खून आ सकता है, यूरेथ्रा में खराश पैदा होकर इस तरह की कैफियत पैदा हो सकती है, इसलिए इसको मलहूस रखा जाए। और मुद्रे हैज के तौर पर इसको अगर इस्तेमाल किया जाता है तो ये जिनेन को भी निकाल सकती है। हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वरना अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो मजीठ के बारे में जिस तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में हमने जिक्र किया, ये तो ख़ास तौर से इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके अलावा भी इसके दूसरे बहुत सारे इस्तेमाल हैं, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम में, चर्म रोग में, स्किन डिजीजेज में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है, क्योंकि ये एक आला दर्जे की मुसफ़ी खून दवा भी है। इसके लिए एक मंजिष्ठादि क्वाथ जो कि एक जोशांदा होता है बहुत कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो निशानात होते हैं खुजली के इस तरह स्किन पे, उन पे भी इसका सफ़ूफ लगाने से फ़ायदा होता है। इसको एक उपटन या गाज़ा या फेस पैक में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो थोड़े अलग से फार्मूला होते हैं, फिर कभी इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। फ़िलहाल आप इसको यूट्रस और जिगर की डिजीज़ के लिए आप इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह बहुत मुफीद साबित होगी, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।